जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी पर कौन से पांच उपाय करने हैं जो पद्म पुराण में बताए गए हैं, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। देवशयनी एकादशी का व्रत इस बार 29 जून को रखा जाएगा। इस एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत ही उत्तम माना गया है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु हिंदू पंचांग के अनुसार 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं। वैसे एक मान्यता यह है कि भगवान विष्णु इस समय अपने चतुर्भुज रूप में शेष शैया पर शयन करते हैं और वामन रूप धारण कर राजा बलि को दिए गए वरदान के अनुसार पाताल लोक में निवास करते हैं। अब की बार सावन में मलमास लग जाने की वजह से 2 सावन हो रहे हैं, इसलिए करीब 5 महीने भगवान विष्णु शयन में रहेंगे। पद्म पुराण में बताया गया है, भगवान विष्णु जब शयन के लिए जाते हैं उस दिन यानी देवशयनी एकादशी के दिन मनुष्य को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 5 काम जरूर करने चाहिए। इससे मनुष्य भगवान का प्रिय हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से भोग एवं मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। अब की बार देवशयनी एकादशी 29 जून को है, ऐसे में इस दिन आप पद्म पुराण में बताए गए इन 5 उपायों को जरूर आजमाएं। नंबर 1, भगवान विष्णु के लिए बिस्तर लगाएं। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखकर मनुष्य को दोनों समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करके दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें नरम बिस्तर पर सुलाना चाहिए। इनके लिए मुलायम बिस्तर, गद्दा, तकिया, मच्छरदानी का सुंदर प्रबंध करना चाहिए। सिरहाने में एक तुलसी का पत्ता भी जरूर रख देना चाहिए। ऐसे भगवान के शयन का जो प्रबंध करते हैं, भगवान उस भक्त पर बड़े प्रसन्न होते हैं। दूसरा, विष्णु सहस्र नाम का पाठ और हवन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान हवन और विष्णु सहस्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, भगवान उसे पापों से मुक्त कर देते हैं। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के सहस्र नाम यानी हजारों नामों को जपते हुए घी और काले तिल से हवन करें। इससे पूर्व जन्म में किए हुए जाने अनजाने पापों से भी भगवान हमको मुक्त कर देते हैं। नंबर 3, व्रत के साथ रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन के लिए चले जाते हैं। रात के समय जागरण करते हुए भजन कीर्तन करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, चातुर्मास व्रत का संकल्प लें। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद चातुर्मास व्रत संकल्प लेना और इसका पालन करना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि चतुर्मास व्रत का संकल्प लेना चाहिए और संभव हो सके तो एक समय ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, अन्न और बिस्तर का दान करें। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि के दिन किया गया ध्यान व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक का फल दे देता है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन व्यक्ति को अन्न और बिस्तर का दान करना चाहिए। इस दिन दान करने से भगवान विष्णु की कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही उस व्यक्ति के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मोटिवेशन मिलेगा मुझे इसी तरह से और वीडियोस को अपलोड करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।